हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक मुद्दा ऐसा लेकर के आए हैं जो लगभग इधर एक सप्ताह से सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। हमको लगता है कि राम मंदिर के बाद सेकंड अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर के है। यानी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब से लक्षद्वीप के घाटों पर डुबकी लगाई है, उसके बाद से एक ट्रेंड सा बन गया है कि लक्षद्वीप ही एक वर्ड है जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। लेकिन आखिर इसका कारण क्या है? क्यों इतना सर्च किया जा रहा है? क्या मुद्दा है आखिर? तो बात सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने का नहीं है, या बात सिर्फ पर्यटन का नहीं है, बात ये जियो पॉलिटिक्स है, भू राजनीति जिसको बोलते हैं। और ये जियो पॉलिटिक्स है क्या, थोड़ा सा इसको दो शब्दों में समझते हैं। ज्यादा हम बोर नहीं करेंगे आप लोग को, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं इस पे कि जो हमारा मालदीव है, ये मालदीव में भी जो हाल फिलहाल प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो ये भाई साहब जो है प्रो चाइना लगते हैं। प्रो चाइना का मतलब कि इनका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चाइना और तुर्की में दिखता है। एक नियम के अनुसार कहा जाता है कि मालदीव में जब भी इलेक्शन होता है, जब भी चुनाव होता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट सबसे पहले उस पड़ोसी देश से मिलने जाते हैं जो उनकी काफी मदद करते हैं, एक सहयोगी होते हैं, चाहे आर्थिक रूप से कहें या राजनीतिक रूप से कहें। लेकिन मालदीव के प्रेसिडेंट जो इस बार हाल फिलहाल चुनाव जीते हुए हैं, सबसे पहले वो तुर्की जाते हैं, फिर तुर्की के बाद चाइना जाते हैं। और चाइना से आते ही कल का मैंने न्यूज देखा कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया भारत को कि 15 मार्च से पहले वो अपने फोर्स को हटा लें, अपने सेनाओं को हटा लें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो सेना हटाने की बात बहुत पहले से चल रही है, और कहीं ना कहीं मोदी जी इस राजनीति को समझते भी थे कि क्यों आखिर ऐसी बात हो रही है, सेना हटाने की बात क्यों की जा रही है। बस मोदी जी ने एक झलक दिखाया था मालदीव को कि देखो भाई, आखिर तुम भारत देश से नाता तोड़ रहे हो तो क्या स्थिति हो सकती है। बात यह है कि जो हमारे भारत देश के पर्यटक हैं, अगर वो मालदीव जा रहे हैं तो ये कहा जाता है कि सालाना लगभग 2.5 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख पर्यटक जाते हैं मालदीव के लिए। अगर आप देखें तो पूरे मालदीव की आबादी लगभग 5 लाख है, और लगभग 1200 आइलैंड है वहां पे, और उस 1200 आइलैंड में एक आइलैंड है जहां पे मालदीव की राजधानी माले है, लगभग 40% आबादी तो वहीं पे है। तो यहाँ पे अधिक से अधिक भारत के पर्यटक मालदीव जाते हैं, जिससे उनका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है, प्लस भारत से और उनको क्या क्या नाफा या फायदा हो सकता है। तो अगर आप कोरोना काल में देखें तो अधिक से अधिक वैक्सीन वहां से दिलवाया गया था, भारत की तरफ से था। अगर आप बात करें तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो भारत के द्वारा वहां पे मनवाया गया है। जब भी जल संकट हुआ है, पेयजल संकट हुआ है, तो भारत ने मदद किया है। सुनामी आया है तो भारत ने मदद किया है। आगे आने वाले हमको लगता है कि जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है प्रदूषण की वजह से, तो लगभग 2050 तक 80% आइलैंड तो वहां ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, फिर वहां बचेगा क्या? लेकिन फिर भी ये मालदीव की सरकार ये समझ रही है कि भारत को छोड़कर के हम चाइना से मदद ले लेंगे, लेकिन चाइना की भी राजनीति समझनी चाहिए। चाइना देखिए, हमें लग रहा है कि वो तो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप छोटा सा हम मानचित्र यहाँ से बताएं तो चाइना की बात करें तो देखिए, यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका को उसने पहले अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश भी यहाँ पे देखिए, उसको भी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। अब वो कदम उठाया है यहाँ पे मालदीव की तरफ, छोटा सा ये जो दिख रहा है डॉट, ये बिंदु, ये मालदीव है। यहाँ भी वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना अधिकार जमा ले, कैसे भी दे करके, ऋण दे करके करें या कैसे भी करके करें, वो चाहता है कि भारत को चारों तरफ से घेर ले। लेकिन ये बात भारत को भी समझना होगा, और समझ भी रही है हमारी सरकार। बट जरा सा सोचिए कि अगर हमारे यहाँ से इतने पर्यटक हर साल यहाँ मालदीव जा रहे हैं, तो पर्यटक और कहाँ जा सकते हैं? लक्षद्वीप। यही मोदी जी ने बताया था कि देखिए, हमारे भारत देश का एक नक्शा है जो डॉट डॉट रूप के दिखता है, डॉट डॉट रूप में ये लक्षद्वीप है, यहाँ भी पर्यटक के लिए आ सकते हैं। अक्सर हम लोग भी मानचित्र जब बनाते हैं तो हम लोग अंडमान निकोबार को भूल जाते हैं, हम लोग लक्षद्वीप को भूल जाते हैं, ये हमारे भारत का एक हिस्सा है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, ये भी भारत का एक ऐसा स्थल है जो पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
जिस दिन मोदी जी का वो फोटो, वो कुर्सी लगाकर बैठना, इसमें डुबकी लगाना, वो वायरल हुआ, लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया लक्षद्वीप को और यहाँ के लोग आने लगे पर्यटन के लिए। इससे मालदीप को और खटका, तो यहाँ के कुछ दो तीन मिनिस्टर जो हैं वो कुछ कुछ बातें बोल दी हैं भारत के बारे में, हालांकि उस समय तो इनको निलंबित कर दिया गया। मालदीप ने उन तीनों मिनिस्टर को निलंबित कर दिया, लेकिन निलंबित करने के बाद भी वहां के प्रेसिडेंट को अभी ये मतलब कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है ना, कि रस्सी जल गया परंतु उसका ऐठन नहीं गया। अभी तक जो है मालदीव को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने पड़ोसी देश जो हमेशा से मदद करते आया है हम उसी से पंगा ले रहे हैं। बताइए, चाइना कहता है कि छोड़ो भारत का साथ, अगर भारत हर साल 2 लाख पर्यटक भेज रहा है तो हम 3 लाख पर्यटक भेज देंगे, लेकिन मामला यहाँ पे शांत नहीं हो पाएगा। भारत को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा और हमको जहां तक लगता है या हमारे देशवासी को जहां तक लगता है कि चाहे मालदीव का मुद्दा जो भी हो, जियोपॉलिटिक्स जो भी हो, हमारे देश का एक अंग है लक्षद्वीप, और अगर यहाँ पे हम पर्यटन अधिक से अधिक बढ़ाएंगे तो इससे हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक है।